अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टर्मसी और फाबी मोल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आज़र हानिया को किसी कीमत पर भी तलाक देने के लिए राजी नहीं हो रहा और रोज हानिया के घर के बाहर घंटों खड़े रहकर सिर्फ हानिया या अपने बच्चे से मिलने की कोशिशें करता रहता है। हानिया के दिल का हाल फातिमा भी जानती है कि बजाहिर तो वो आज़र से तलाक लेना चाहती है मगर उसके दिल में अब भी आज़र ही है। तभी वो शहीर को बताती है कि हानिया ने जिंदगी में पहली और आखिरी बार सिर्फ आज़र भाई से मोहब्बत की है और फातिमा की ये बात आज़र अपने घर में दाखिल होते हुए सुन लेता है और समझ जाता है कि हानिया उससे नाराज जरूर है मगर दिल से अभी वो आज़र को ही चाहती है। तो शहीर और फातिमा जब मिर्जा साहब के घर में मिलने आते हैं तो उनका सामना रुबीना और नूरी से होता है। नूरी शहीर को देखकर मुस्कुराती है। फिर आप देखेंगे कि हमाद हानिया को आने वाले हालात के बारे में समझाता है कि चूंकि आज़र उसे तलाक देने के लिए राजी नहीं हो रहा तो लिहाजा अब मामला फैमिली कोर्ट में जाएगा और दोनों पार्टियों को अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और तुम तो जानती हो कि आज़र हमजा का बाप है तो वो कानूनी तौर पर हमजा से मिलने की कोशिश करेगा और फिर हम उससे उसका ये हक नहीं छीन सकेंगे। ये सब बातें सुनकर हानिया काफी परेशान हो जाती जबकि उधर दूसरी तरफ रुबीना अपनी दोनों बेटियों की बर्बादी के बाद जब शहीर और फातिमा को एक साथ देखती है और मिर्जा का घर एक बार फिर आबाद होता हुआ देखती है तो नूरी के कहने पर कि अम्मी आपने अगर नाजी की वजह से ये चाले ना चली होती, इतना झूठ ना बोला होता तो आज शहीर के साथ मैं होती। तो रुबीना कहती है कि उनकी जीत उतनी ही आजी है जितनी मेरी हार। अभी मेरे दिमाग में इतने मंसूबे हैं जो मैं अभी पाल रही हूँ। हकीकत तो ये है कि रुबीना अपनी बेटियों को उजड़ा हुआ देखकर खुद भी पागल हो गई है और अपनी हार को तस्लीम नहीं कर पा रही क्योंकि अब सब कुछ उसके हाथ से निकल गया है। तो वो अपने ख्वाबों में ही मिर्जा साहब से बदला लेती रहती है। यानी रुबीना ख्वाब में देखेगी कि वो मिर्जा को धक्के देकर उसी के घर से उसे बाहर निकाल रही है और कह रही है कि बुढ़े बस निकल यहाँ से, नाक पे दम करके रख दिया तूने। मेरे ख्याल से तो ये ख्वाब ही हो सकता है क्योंकि अगर हकीकत में ऐसा हुआ तो रुबीना को जेल भेज दिया जाएगा। वैसे इस ड्रामे का अच्छा एंड कोई और हो भी नहीं सकता कि रुबीना को जेल और नाजी को पागल खाने भेज दिया जाए। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल फाबी मोल की लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।